प्रोड्यूसर सरप्लस जब हम प्रोड्यूसर सरप्लस की बात करते हैं इट बेसिकली डिनोट द इकोनॉमिक प्रोफिट ऑफ द प्रोड्यूसर अब ये जो प्रोड्यूसर सरप्लस है इट इज बेसिकली द एरिया दैट लाइज अबव अब दप्लाई करफ बट बिलो टू द मार्केट प्राइस दैट प्रिवेल्स इन द मार्केट अब इसी प्रोड्यूसर सरप्लस को हम इकोनॉमिक प्रॉफिट भी कहते हैं कि दिस इज बेसिकली बेसिकली द इकोनॉमिक रिटर्न अब टू दर्मस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इनफेक्ट प्रोड्यूसर सरप्लस इज द डिफरेंस बिटवीन मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस हमने क्या कहा था कि जो भी आपके पास सप्लाई कर रहे हैं वो इट बेसिकली डिनोट्स द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द फार्मर वो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द फार्मर का कौन सा पार्ट है इट इज दैट पार्ट ऑफ द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द फार्मर ज वेरिएबल कॉस्ट कर और साथ में यहां पर क्या है प्राइस इज ग्रेटर टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर सो दिफ्रेंस बिटवीन दर्जनल कॉस्ट दैट फार्मर इज फेसिंग टू प्रोड्यूस दैट पर्टिकुलर आउटपुट एंड द प्राइज दैट इज चार्जिंग अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर आउटपुट उसको आप क्या कहते हो दैट इज कार्ड एज प्रोड्यूसर सरप्लस अब इसी चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए अगेन हम यहां पे ले रहे हैं सप्लाई बाय इनोवेटिव ग्रोअर किस चीज की सप्लाई है दिस इज सप्लाई ऑफ ऑनियन बाय इनोवेटिव ग्रोअर डिफरेंट प्राइसेस अब अगर यहां पे प्राइस ऑफ ऑनियन अगर हो थर्टी रुपीज इनोवेटिव ग्रोअर इज नॉट विलिंग टू सप्लाई एनी क्वांटिटी ऑफ ऑनियन लेकिन जब प्राइस इंक्रीज होती है देन क्या है इनोवेटिव ग्रोअ इज विलिंग टू प्रोड्यूस सम क्वान्टिटी ऑफ ऑनियन अब अगर मैं यहां पर एज्यूम करूं प्राइस ऑफ ऑनियन इन दार्केट वो क्या है दैट इज इक्वल टू पी वन दिस पी वन डिनोट द प्राइस ऑफ ऑनियन दट प्रिवेल्स इन दार्केट और हमने प्रोड्यूसर सरपल को डिफाइन किया इट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्राइस एंड द मार्जिनल कॉस्ट और हमने इसको कहा था कि ये क्या है दिस इज द एरिया दैट लाइज अब टू सप्लाई कर बट बिलो टू द प्राइस दैट प्रिवेल्स इन द मार्केट तो इस केस में आप कह लें प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होगा वी आर डिनोटिंग दैट प्रोड्यूसर सरप्लस बाई अ ट्राइंगल जिसको मैं हमने मार्क किया है विद ए बी ई के दिस इज के जी अगेंस्ट फर्स्ट यूनिट ऑफ आउटपुट व्हाट इज द मार्जिन कॉस्ट टू प्रोड्यूस फर्स्ट यूनिट ऑफ आउटपुट इट इज इक्वल टू सिक्सटी लेकिन जब आप इसकी मार्केट प्राइस की बात करते हो तो यहां पे हमारी मार्केट प्राइस इज इक्वल टू एटी तो ये जो एटी में से जब मैं सिक्सटी सब्ट्रैक्ट करूंगा ये किस चीज को डिनोट करेगा इट डिनोट द प्रोड्यूसर सरप्लस अगेंस्ट फर्स्ट यूनिट ऑफ ऑनियन अब अगर हम यहां पर देयर इज इंक्रीज इन मार्केट प्राइस ऑफ ऑनियन बिकॉज ऑफ दैट इंक्रीज इन मार्केट प्राइस आपकी प्राइस मूव कर गई प्राइस फॉर ऑनियन मूव कर गई फ्रॉम पी वन टू पी टू हाँ जी यहां पे ये जो प्राइस कर रहे हैं ये मैं हॉरिजेंटल लाइन क्यों ड्रा कर रहा हूँ क्योंकि हमारी है फार्मर फार्मर आर ऑपरेटिंग इन परफेक्टली कंपिटेटिव मार्केट दे हैव नो कंट्रोल ओवर द प्राइसेस दैट प्रिवेल्स इन मार्केट इंडिविजुअल फार्मर हैज नो इन्फ्लुएंस ओवर द प्राइस दैट प्रिवेल्स इन मार्केट जी जब प्राइस इंक्रीज होगी तो जो आपके पास इनोवेटिव ग्रोअर हैं उनका प्रोड्यूसर सरप्लस भी क्या हो जाएगा इट विल आल्सो इंक्रीज अब इस केस में प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होगा इनोवेटिव ग्रोअर का कि प्रोड्यूसर सरप्लस इज इक्वल टू डी ई सी ये जो एरिया है दैट लाइज इन दाइंगल ई सी इट बेसिकली रिप्रेजेंट्स द प्रोड्यूसर सरप्लस इफ प्राइस ऑफ ऑनियन इन मार्केट इज इक्वल टू पी टू उसको रिपोर्ट कर सकते हैं with, with A, D, e, और ये इंक्रीज इन प्रोड्यूसर सरप्लस क्यों हुआ बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन प्राइस ऑफ ऑनियन इन मार्केट अब अगर हम इस सारे को समराइज कर दें तो आप लोगों ने एक चीज यहां पर ऑब्जर्व की है कि वेन

कि अगर मार्केट प्राइस ऑफ एग्रीकल्चर आउटपुट इंक्रीज कर जाएगी प्रोड्यूसर सरप्लस विल इंक्रीज इफ प्रोड्यूसर सरप्लस विल इंक्रीज तो अल्टीमेटली क्या होगा इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ प्रोड्यूसर विल आल्सो इंक्रीज और अगर प्राइस मार्केट प्राइस ऑफ एग्रीकल्चर आउटपुट डिक्रीज हो जाए तो प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होगा इट विल डिक्रीज अल्टीमेटली क्या हो रहा है इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द फार्मर will decrease when market price of a particular agricultural output decreases